कि हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में लास्ट टाइम हमने बताया था रिकॉर्डिंग माइक्रो के बारे में, रिकॉर्डिंग माइक्रो कैसे यूज करते हैं और क्या बेनिफिट है आपके लिए, राइट तो आज हम चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि अपनी प्रोग्रामिंग कैसे लिखेंगे, राइट तो सबसे पहले बात जान लीजिए प्रोग्रामिंग लिखने के लिए क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए। डेवलपर टैब नहीं है तो फाइल में जाइए, ऑप्शन में जाइए और यहाँ से डेवलपर टैब को लेके आ सकते हैं। यहाँ होता है एडवांस, इसमें कस्टमाइज नहीं बनता। अगर ऑफिस 2007 है तो ये आपका पॉपुलर में ही होता है। उसके बाद सिक्योरिटी वार्निंग से पहले ही बताया था, उसको अनेबल कर लीजिए और फाइल को सेव कर लीजिए माइक्रो अनेबल वर्क को। जी हाँ, माइक्रो अनेबल वर्क। उसके बाद जब ये प्रोग्राम करेंगे तो इसके लिए यहाँ विजुअल बेसिक दिख रहा है आपको, विजुअल बेसिक को ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन दिखेगा। अब इसमें जो विंडो दिखेगा, पहला विंडो होता है प्रोजेक्ट एक्सप्लोर का और दूसरा होता है प्रॉपर्टीज का। ये बाय डिफॉल्ट होते हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको ना दिखे, पहले से ना हो तो आप इस यहाँ से ला सकते हैं। आपके सामने दिख रहा है कंट्रोल आर और दिख रहा है आपको F4, या फिर व्यू में भी जाके, व्यू मेनू बार में भी जाके आप ला सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी चीज, अगर माइक्रो आपने बनाया है तो उसको रन करने से पहले चेक कर लीजिएगा कहीं आपका डिजाइन मोड एक्टिवेट तो नहीं। अगर आपका डिजाइन मोड एक्टिवेट है तो कोई भी माइक्रो परफॉर्म नहीं करेगा, तो आप डिजाइन मोड को यहां से डिसेबल कर लीजिए, ओके जी, समझ में आ गया। उसके बाद हम जब इस पे आते हैं तो हम बात करते हैं कि हम प्रोग्रामिंग लिखे तो कहाँ लिखे। हम सीट 1, सीट 2, सीट 3 और यहाँ पे दिस वर्क दिख रहा है ना, ये सीट 1, सीट 2 जो आपके सीट जितनी भी सीट्स हैं उसके लिस्ट दिखेंगे। यहाँ पे जो फाइल ओपन होगा, जैसे बुक 1 ओपन है, जैसे बुक 2 ओपन है और यहाँ पे डेटा ओपन है। ये एक सोल्वर है, ये सोल्वर सिस्टम फाइल है, तो ये फाइल ओपन है ना सर, जितने फाइल ओपन होंगे वो इस तरह से दिखेंगे। आपको कंफ्यूजन हो तो उसको कोलैप्स कर सकते हैं, एक्सपेंडर कोलैप्स कर सकते हैं ताकि आपको बेटर रहेगा लिखने में। अब प्रोग्रामिंग कहाँ पे करेंगे, तो हम सीट 1 पे भी डबल क्लिक करके अपनी प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं, सीट 2 पे भी लिख सकते हैं, सीट 3 पे भी लिख सकते हैं, लेकिन इन पे हम प्रोग्रामिंग नहीं लिखते हैं। रीजन क्या है इसे प्रोग्रामिंग ना लिखने का, क्योंकि ये इसी एक्सेल फाइल पे ही सेव रहेगा मतलब। नहीं, इसका ये है कि देखिए सबसे पहला प्रॉब्लम है कि जो कोडिंग है वो शीट 3 के प्रॉपर्टी में सेव होगा। अगर मान लीजिए मैंने कुछ कोड, कुछ माइक्रो लिख दिया यहाँ पे, सब्जेक्ट हमने यहाँ पे आरआर कर दिया और कुछ भी लिख दिया ना सर। अगर मैं अब शीट 3 को यहाँ उठाया और इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, अब यहाँ पे देखिए मेरा माइक्रो क्या, माइक्रो चला गया ना सर। तो अगर आप ऐसे प्रोग्राम लिखते हो तो सीट तो डिलीट होते रहते हैं ना सर। अगर किसी ने सीट डिलीट कर दिया तो आपका सारा माइक्रो चला जाएगा। दूसरा है कि जब हम इस माइक्रो लिखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट शीट्स और डिफरेंट डिफरेंट फाइल को रिलेट करेंगे, तो दिस वर्कबुक या दिस सीट 1, सीट 2 में दूसरे फाइलों से रिलेट होने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत होगा, ठीक है जी। इसलिए हम इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल्स और मॉड्यूल्स में हम यहाँ बात करते हैं। तो जब मॉड्यूल्स में हम एंटर करते हैं तो ये इस फाइल की प्रॉपर्टी में सेव होता है, तो फाइल जब तक डिलीट नहीं होगा तब तक ये आपका ये नहीं होगा। दूसरी चीज को यहाँ से इसलिए एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं एडिट्स के लिए, ओके अब बात करते हैं मैक्रो डिक्लेरेशन। आपको मैक्रो लिखने के लिए यहाँ पे पब्लिक सब या सब लिख सकते हैं, या मैक्रो डिक्लेयर करने के लिए आप यहाँ
इंसर्ट में एक प्रोसीजर आएगा, प्रोसीजर ये भी कर सकते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे करना है मान लीजिए टेस्ट TT1 TT करना है, ओके कीजिए, पब्लिक करना है, प्राइवेट करना है, प्रॉपर्टी फंक्शन क्या करना है, हमें बोला कि तो यहाँ पे सब करना है, मतलब पब्लिक करना, यहाँ पे पब्लिक लगाना जरूरी नहीं है, अब सभी कर सकते हो, पब्लिक सभी करते हैं। अब माइक्रो का जो नेम हम लिखेंगे इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें एक नाम के दो माइक्रो नहीं होने चाहिए। दूसरा, माइक्रो के बीच में किसी भी जैसे टेस्ट जुड़े हैं तो ये गलत है, माइक्रो के बीच में किसी भी तरह का स्पेस, नेम के बीच में स्पेस, डॉट, डैश या किसी भी तरह का स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट नहीं करता। इसको अंडरस्कोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी भी 3 डिजिट में अल्फा न्यूमेरिक नहीं लिखेंगे, जैसे राज वाला, ये नाम गलत होगा। कैसे गलत होगा, जैसे हम इसको रन करने के लिए जाएंगे, देखिए राज वन दिखा आपको सर, क्योंकि राज वन नाम का आपके पास रेफरेंस है, वो उसको पकड़ लेगा। तो 3 डिजिट क्यों मिले, क्योंकि आप अपने देखेंगे सीट में कि एक्सेप्ट भी 3 डिजिट तक है ना, इसलिए मतलब ये एप्लीकेशन का नेम है पहले से, तो इसमें इसलिए दिया है ये एप्लीकेशन में नेम है कहीं पे, इसलिए नहीं लेगा वो, एक्सेल में नाम है ये 3 डिजिट में, इसलिए नहीं लेगा वो। नहीं, 3 डिजिट में अल्फा और न्यूमेरिक एक साथ और राज दे सकते हैं, ओके, राज वन, राज वन आपका एक रेफरेंस है, सेल है, एड्रेस है, यहाँ पे लिखिए ना राज वन, राज वन चले जाएगा इस पे ना, राज टू, राज थ्री, राज फोर, राज 10 लाख, इस तरह से और भी है, जैसे राय, राय वन आ गया, राय वन पे इस तरह की, ठीक है, इसलिए मैं बोला, समझ गए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रोग्रामिंग का कुछ स्टेप होता है, प्रोग्रामिंग का सबसे पहला स्टेप होता है स्टार्ट, मतलब कि डिक्लेरेशन ऑफ द माइक्रो, नहीं माफ कीजिएगा मैं बोलता हूँ, हाँ पहला होता है प्रोग्रामिंग लिखने का तरीका है एनालाइज, कि पहले आप प्रॉब्लम को एनालाइज करें, देन आता है एल्गो, उसकी एल्गोरिदम मतलब कि उसकी स्टेप बनाए, देन आता है कोड, उसको कोड करें, फिर आता है टेस्ट, उसकी टेस्ट करें, एरर आए तो रीकोड एंड वापस रीटेस्ट, ठीक है, देन अपना। ये माइक्रो किसी भी माइक्रो ही नहीं, किसी भी तरह के प्रोग्राम बनाने का ये फीचर है कि इस तरह से हम प्रोग्राम बनाए जाते हैं। ओके सर, जी सर, तो ये एनालिसिस, एल्गोरिथम, कोडिंग, टेस्ट एंड अप्लाई, एनालिसिस, एल्गो, कोडिंग, टेस्ट, अप्लाई। तो एनालिसिस तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सोच समझ पर डिपेंड करता है, एल्गोरिथम की बात हम करते हैं, एकदम क्या हो सकता है सर आपको, जैसे मतलब स्टेप बाय स्टेप, हाँ जैसे मान लीजिए ना कि मुझे यहाँ पे कुछ एक फॉर्मेट तैयार करना है, तो मैं एकदम लिखूंगा यहाँ पे स्टार्ट सेलेक्ट एंडर नेम सेलेक्ट सर, क्या करना है इसमें, तो जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल हमने आपको बताया ना सर, अब मान लीजिए कि आप मुझे बताएंगे कि एक माइक्रो सर मेरे लिए बना दीजिए, तो मुझे आपने बताया कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ पे जाना है, यहाँ से वो भी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, ये चीज़ें मुझे हमेशा याद तो ही रहेगी, तो उसको हम एल्गोरिथम के रूप में स्टेप बाई स्टेप लिखते हो,
क्योंकि स्टेप जरूरी है। जैसे मान लीजिए ना कि आप पिवट लगाते हैं, तो पिवट लगाने से पहले काम क्या है, सिलेक्शन का है ना। अगर बिना सिलेक्ट के लिए पिवट लगा दे तो आप हो सकता है गलत जगह पिवट लग जाए। दूसरा, अगर आपने पिवट लगाया और पता चला कि आपने जो पिवट लगाया वो आपने पिवट पहले लगाया, सिलेक्शन बाद में कर दी, तो सिक्वेंस और कोई कंडीशन आपसे छूट ना जाए और सिक्वेंस बना रहे हैं, इस चीजों के लिए हम एल्गोरिथम को तैयार करते हैं। अगर कोटिंग लिखते हैं तो अब यहाँ पे मेनली किससे स्टार्ट करेंगे, मान लो हमने मैक्रो बना लिया तो किससे स्टार्ट होगा, तो बेसिकली चार मेन एप्लीकेशन मेन ये है, ऑब्जेक्ट है। जैसे कि आप कोई सेंटेंस लिखते हो तो नाउन प्रोनाउन से ही स्टार्ट होता है ना पहला, तो पहले यहाँ था एप्लीकेशन, देन होता है यहाँ पे हमारा वर्कबुक, इसके बाद रेंज शीट और माफ कीजिएगा शीट्स, देन रेंज, ये चार चीजें होती है, एप्लीकेशन वर्कबुक शीट एंड रेंज, एप्लीकेशन वर्कबुक शीट एंड रेंज। तो अब इनमें से कोई एक हो सकता है, अब कौन होगा वो डिपेंड करता है आपके एल्गोरिथम पे। अब जैसे मान लीजिए आपने एल्गोरिथम आप कर रहा है कि ऐड न्यू वर्कबुक, एक नया वर्कबुक ऐड करना है तो हम वर्कबुक वर्कबुक से स्टार्ट करेंगे, किससे स्टार्ट करेंगे, वर्कबुक से, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे कि ऐड न्यू शीट्स, तो शीट से स्टार्ट होगा, कॉपी द डेटा तो रेंज से स्टार्ट होगा, तो इन चारों में से कोई एक होगा, इसलिए एल्गोरिथम रहेगा तो आप पहले यही पे उसका कोड लिख देंगे कि भाई सिलेक्ट A1 का रेंज क्या है, यहाँ पे A कोड क्या है, तो कोड A है A1.select, तो इसको आप नोट पैड पे खींचिएगा, किस पे, कॉपी पे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी आप प्रोग्राम आप लिखते हैं, चाहे मैं आपको बताता हूँ, उसको एक मोटी सी डायरी में लिखिए प्लीज। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसे बोलने के पीछे रीजन ये है कि बॉडी डायरी के अंदर जो आप लिखते हैं तो ठीक होता है, क्योंकि सिस्टम हर जगह लेके थोड़ी जाएंगे आप, और डायरी तो जो आप ऑफिस लेके जा सकते हैं ना। और ऐसा बोला गया है कि लिखने से अच्छा याद होता है, और यहाँ पे जोड़ी है कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई कुछ हुई तो दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो कोड क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिख दिया वर्क बुक्स डॉट एड, इसमें वर्कबुक्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट, और ये क्या है हमारा मेंबर, तो खैर तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट या मेंबर, या फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट मेंबर एंड सब मेंबर, जैसे कि हमने यहां लिखा वर्कबुक डॉट एड डॉट सेव एज, और यहां पे पाथ एंड फाइल, ठीक है। इन द इन्वर्टेड कॉमा, क्लियर है जी। या फिर ऐसा हो सकता है कि वर्क बुक्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिटेल मेंबर, मतलब कि ऑब्जेक्ट एंड मेंबर, मेंबर और मेंबर की डिटेल, ठीक है। तो कोड लिखने का तरीका ये, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके कितने कितने मेंबर है, मेंबर समझे जी जी। अब कैसे पता चलेगा इसका, इसके पता कैसे चलेगा, तो आप यहाँ दिख रहा है फंक्शन की, इस पे क्लिक कर, चलिए माफ कीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क आपने क्लिक किया तो ये आपका एक्सेल का हेल्प खुल गया,
अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा VBA एक्सेल रेफरेंस, ऑब्जेक्ट मॉडल रेफरेंस। अब जैसे कि इसे ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हैं, बट इसमें जो है दो मेंबर, चार मेंबर हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो वन बाय वन आपको अपने मेंबर्स को रीड करना है। जैसे मैं वर्कबुक की बात कर रहा ना, यहाँ पे देखिए आपके सामने वर्कबुक ऑब्जेक्ट आ गया, इसमें वर्कबुक ऑब्जेक्ट आ गया। ये वर्कबुक ऑब्जेक्ट के आप देखेंगे तो ये आपका इवेंट है, ये आपका मेथड है, ये आपका प्रॉपर्टी है। तो अभी आप जो है मेथड को छोड़िए, सॉरी माफ कीजिए, इवेंट को छोड़िए और मेथड को चलिए मेथड पे। और यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है कोड क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम मेथड पे आते हैं, यहाँ पे जैसे कि एक्टिवेट, किसी फाइल को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, तो ये रहा एक्टिवेट का कोड। और एक्टिवेट में क्या क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, क्या सिंटैक्स क्या होता है वो, और कैसे अप्लाई किया जाता है। देखिए आप ऐसे बात करते क्लोज की, तो क्लोज में देखिए क्या है, ये होता है एक्सप्रेशन क्लोज सेव चेंज फाइल नेम एंड रूट वर्ड। इसमें सेव चेंज क्या है, ऑप्शनल है, क्या है इसका डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा है, फाइल नेम क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या, किस तरह की चीज़ें यूज की जाती है, और इसका एक एग्जांपल दिख गया सर। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि आप उसी इवेंट और मेथड को क्लिक करें जो आप नॉर्मल एक्सेल में जानते हैं, समझे? जैसे आप ब्रेक लिंक जानते क्या होता है? सॉरी क्या जी? ब्रेक लिंक, ब्रेक लिंक नहीं जानते ना? नहीं नहीं, इसे मैंने बोला था एक्सेल लिंक्स होना चाहिए। ब्रेक लिंक का मतलब होता है जब आप एक फाइल को दूसरे फाइल से लिंक करते हैं फॉर्मूला में, जैसे आपने फॉर्मूला वीलुकअप लगाया और आपने दूसरे फाइल से रेफरेंस ले लिया, तो दूसरे फाइल के साथ वो लिंक हो गया। अगर मान लीजिए कि वो फाइल डिलीट हो गई, जब भी आप फाइल ओपन होगी तो बार बार आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आता है, कंटिन्यू चेंज लिंक, और जब कंटिन्यू करते हैं तो आपको एक फाइल खुल जाता है, फोल्डर खुल जाता है, फाइल सिलेक्ट करने के लिए बोलता है। कभी हुआ है ऐसा? मेरा एक्चुअली ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि फाइल रहती है साथ में। हाँ, तो जब आप एक फाइल से दूसरे फाइलों के बीच में करेंगे तो ब्रेक लिंक आपका काम करता है। मैं काम करता हूँ, दिखाता हूँ। चाहिए जैसे कि हमने हमने क्या किया कि इसको, इसकी लिंकिंग हमने इसके साथ कर दी, मतलब जहाँ से मैंने वो बी लुकअप या जो फॉर्मूला लगाया था वो फाइल अब ब्रेक हो चुकी है, कि वो एरर आ चुकी है। हो गया ना सर आपका, लिंक कर दिया। मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, मैं सेव कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट भी कर देता हूँ LMDR से, ठीक है। एंड से अब अगर मैं अपना जो डेटा फाइल है जो मैंने बनाया है, जिसे लिंक किया हुआ था, जैसे ए वाली फाइल, डेटा वाली फाइल, मैं इसको क्लोज करता हूँ बिना सेव किए, क्लोज हो गया, और मैं इस लोकेशन पे जाके उस फाइल को डिलीट कर देता हूँ। डाउनलोड नहीं, इसमें यस सर, अब मैं LMDR को ओपन करता हूँ। सर ऑटोमेटिक अपडेट ऑफ लिंक हैज बीन डिसेबल, हाँ दिखे ना सर जी जी। तो यहाँ पे आ गया, आप कंटिन्यू करेंगे तो फाइल खोज भी बोलेगा, एडिट लिंक पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्रेक लिंक। ये ब्रेक लिंक हुआ,
तो क्या हुआ कि इसका और फाइल का लिंक खत्म हो गया और ये जो मैनुअल डेटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया, दिखा आपको सर? जी जी जी। तो इसी ब्रेक लिंक को करने के लिए यहाँ दिया गया है ऑप्शन, यहाँ पे कहाँ गया सर, इसमें आया यहाँ, यहाँ पे एज ए वेरिएंट और यहाँ पे एक्टिव वर्कशीट लिंक सोर्स, ये रहा लिंक एक्टिव शीट डॉट ब्रेक लिंक नेम, ये रहा लिंक वन टाइप जो भी है, कई सारे लिंक होते हैं ना, इसमें एक लिंक ब्रेक हो गया मान लीजिए, ठीक है जी जी। तो ये चीज पता होनी चाहिए। तो अभी आपको क्या करना है सर कि वर्कबुक को ले लीजिए, एक दिन में एक ही वर्कबुक के जितने भी मेंबर्स हैं ना सर, वर्कबुक ऑब्जेक्ट के जितने भी मेथड है और मेंबर्स हैं उन सबको एक बार स्टडी कर लीजिए, मेथड और इवेंट को, ठीक है ना। और याद रखिएगा जो आप समझते हैं जिसको एक्सेल में जानते हैं उसी को कीजिएगा, जो एक्सेल में नहीं जानते उसको मत कीजिए, जैसे प्रिंट आउट हो गया, प्रिंट प्रीव्यू, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट शेयरिंग, ठीक है ना, रिफ्रेश, रिप्लाई, सेव, सेव बैक, दिख रहा है आपको यहाँ पे ना, अनप्रोटेक्ट, सेंड मेल, ऐसे यहाँ भी आता है ना नीचे भी, इसको आज कीजिए सर। फिर आपको हम आपको कल वर्कबुक ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल से समझाएंगे, ओके सर, ठीक है। कोई डाउट या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। जी नहीं, थैंक यू। नहीं है जी। आपकी व्हाट्सएप कहाँ है? मैं पिंग करता हूँ आपको, आ जाएगा ऊपर। सर आप करण तिवारी है या करुणा तिवारी है? सर करण तिवारी। नहीं, मेरे पास इसमें आया हुआ आपने जो फॉर्म भरा था डेमो क्लास का उसमें करुणा तिवारी लिखा हुआ है। करुणा दिखाता हूँ, ये ऑटोमेटिक जो आपने गूगल फॉर्म भरा था ना उसका लिस्ट है। टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है सर, तो कल मिलते हैं सेम टाइम। ओके सर, थैंक यू।